नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सेना आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले, उस कमेंट में भैया क्वेश्चन तो उन्हें एक एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए था जो उनके डीजे के लिए यूज में आए, तो उन्होंने जो डिमांड किया तो उसमें हमने क्या किया, सेम ले लिया डायग्राम में भी और इस बोर्ड में भी। तो उन्होंने एक डिमांड किया था एक डीपी स्विच का, हमने यहाँ पे एक डीपी स्विच ले लिया डायग्राम में भी, एक वोल्ट मीटर का डिमांड था एक वोल्ट मीटर में ले लिया, एक इंडिकेटर का डिमांड था हमने ले लिया। पर हम इंडिकेटर का जो उन्होंने क्वेश्चन किया था इसमें क्या, हमारा जो डीपी स्विच होता है उसमें इंडिकेटर ऑलरेडी ग्लो करते रहता, तो डीपी स्विच जो हमारे इंडिकेटर उसको कोई मतलब नहीं पड़ता, फिर भी उन्होंने कमेंट किया था तो मैंने क्या किया, दे दिया। इसके साथ उन्होंने 3-15 जो हमारा 16 एम्पीयर का सॉकेट होता है वो डिमांड किया था, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया 16 एम्पीयर का सॉकेट, 1, 2, 3। इसके साथ उन्होंने 2 स्विच का डिमांड किया था, 1, 2। इसमें क्या हो गया, हमारा ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट हमारा ऑपरेट होगा। इसके साथ उन्होंने 6 एम्पीयर का जो 5 स्विच और 5 सॉकेट का डिमांड किया था, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 5 सॉकेट है, इसके साथ 5 स्विच है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या होगा, ये स्विच से ये सॉकेट, 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 ठीक है। और 16 एम्पीयर में क्या होगा, ये स्विच से ये सॉकेट और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट हमारा ऑपरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले डायग्राम देख लेंगे फिर इसका वायरिंग करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, केप के बारे में जान लेते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जुड़े सारे सामान मिल जाते हैं, यहाँ पे रिटेलर्स और डीलर्स दोनों को अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, घर में और ऑफिस में एसी कूलर और पंखा का जो यूज है वो बढ़ने वाला है, तो इन्वर्टर और बैटरी का डिमांड मार्केट में ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। तो रिटेलर्स और डीलर्स भाइयों के लिए अब सबसे बड़ा मार्केट लोग दर्डील उनके हाथों में है। यहाँ आपको आपके दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट जैसे इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया और भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जुड़े जाते हैं प्रोडक्ट, तो वो एजी में मिल जाएंगे। वो भी बेस्ट ब्रांड के जैसे एक्साइट का, लुमिनस का, लिफास्ट का, एमरोन का और भी अच्छे अच्छे ब्रांड के यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। साथ ही आपको बता दूं, लिफास्ट ने भी एक ऐसा इन्वर्टर है जो लॉन्च किया है जो आपके घर या आपके ऑफिस का जो हैवी लोड का प्रोडक्ट होता है जैसे एसी, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज, उसका लोड इजी वे में उठा लेगा। तो जाहिर सी बात, इसका मार्केट में डिमांड बढ़ने वाला है, तो इसे आप पहले से स्टॉक करके रख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जानकारी हो गया, डील्स हो गया, ऑफर हो गया, डिस्काउंट के लिए कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा, जाकर वहां से सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बोर्ड का वायरिंग के लिए हमको क्या क्या वायर चाहिए, पहला चाहिए फ्रिज, तो हम फेज का वायर लेके आएंगे, उसके साथ न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे और साथ में लेके आएंगे बॉडी अर्थिंग। तो इसमें हमारा 3 वायर इन करेगा, पहला जो फेज और न्यूट्रल होगा वो कहाँ इन करेगा, वो इन करेगा हमारा डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में, ठीक है। तो ये डीपी स्विच है, तो इसे नीचे टर्मिनल हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एल लिखा हुआ, ये हमारा फेज के लिए हो गया, यहाँ जहाँ एन लिखा हुआ वो हमारा न्यूट्रल के लिए हो गया, मतलब जो हमारा फेज का वायर इन करेगा वो यहाँ पे करेगा और न्यूट्रल का वायर जो इन करेगा ये इस जगह पे करेगा। तो हम क्या करते हैं डायग्राम में सेम, ठीक है, हमारा फेज का वायर कहाँ इन करा रहे, फेज का वायर हमारा यहाँ इन कर रहा, इसको यहाँ पे सारे कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का वायर कहां इन कर रहा, न्यूट्रल का वायर यहां पे इन कर रहा। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर, ठीक है, फेज का वायर लेके आए, इसको हम क्या किया यहां पे इन करा दिए, हमारा इन यहां पे हुआ, तो ये हो गया हमारा इन पे, ठीक है। न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे तो न्यूट्रल भी हमारा कहां इन करेगा, न्यूट्रल भी इन करेगा यहां पे जहां पे एन लिखा है, तो ये न्यूट्रल भी हमारा यहां पे इन कर गया। अब क्या होगा, ये आउट करेगा सेम यहां से, तो हमारा जो फेज इन यहां से किया है तो जैसे इन यहां पे किया तो आउट भी यहां से करेगा, ठीक है। न्यूट्रल इन यहाँ किया है तो न्यूट्रल आउट भी यहां से करेगा, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रल यहां से इन किया, अब न्यूट्रल यहां से आउट करेगा और जो फेज हमारा यहां से इन किया है, ठीक है, अब यहां से आउट करेगा। ये आउट कराने के बाद हमको कहां ले आना, ले जाना वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में देखिएगा, यहाँ पे 2 टर्मिनल है, ठीक है, ये जो है इसमें किसी में एक में फेज एक में न्यूट्रल जाएगा, ठीक है, किसी में भी अब एक में फेज देना एक में हमको न्यूट्रल देना। तो इसमें क्या करते, 2 टर्मिनल इसको हम किनारे कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं दाग देता, तो एक टर्मिनल यहाँ पे और एक टर्मिनल यहाँ पे, ठीक है। एक टर्मिनल हम क्या करते हैं फेज के लिए दे देते हैं, जो दूसरा टर्मिनल है न्यूट्रल के लिए दे देते हैं। तो जो हमारा फेज ला है, ठीक है, फेज ला जो टर्मिनल हम बना रहे उसको कहां से आउट करेगा, ये हमारा जो डीपी स्विच से आउट किया वायर को हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो हमारे डीपी स्विच से एक वायर लेके कहां चल गया, वोल्ट मीटर में। न्यूट्रल का भी सेम करना है, यहां से जो हमारा न्यूट्रल आउट करेगा उसको लेके चल जाना वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, एक टर्मिनल यहां पे हम लेके, तो हमारा क्या होगा, एक में फेज, ठीक है, इस जगह फेज, इस जगह न्यूट्रल चल गया। अब हम क्या करना है, यहां से आउट कराना है, ठीक है। तो हमारा जो फेज है, फेज अगर इस टर्मिनल में हम दिए तो फेज हमारा जो आउट करेगा कहां जाएगा, ये फेज का आउट करके ले जाना जितने भी स्विच है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना स्विच हो गया, नीचे में हमारा 5 स्विच है और ऊपर में 2, टोटल 7 स्विच है। तो 7 स्विच के नीचे टर्मिनल में हमको ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सेम यही से लूप बनाते हुए ले जाएंगे, एक स्विच हमारा यहां पे, दूसरा स्विच हमारा यहां पे, ठीक है, ये हमारा एक स्विच हो गया, ये 2 स्विच हो गया, दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में क्या हुआ, हमारा फेज पहुंचा दिए और ये फेज हमारा कहां हुआ, वोल्ट मीटर से जाते हुए आया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमको नीचे भी हमारा स्विच है, नीचे में भी हमारा 5 स्विच है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये 5 स्विच में क्या करेंगे, फेज ले जाना है, तो यहां से एक वायर लूप बनाएंगे और जितना स्विच है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में, सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में क्या करना है, हमको फेज पहुंचा देना है, ठीक है। तो ये जितना भी स्विच है, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल,
ठीक है, यहाँ भी एक हमारा स्विच है और एक ही हमारा ऊपर में दो 16 एम्पीयर का जो स्विच है उसका नीचे टर्मिनल और 6 एम्पीयर का जितना भी स्विच है उसके सारे नीचे टर्मिनल क्या करना हमको फेज पहुंचा देना है ठीक है। और एक इंडिकेटर है तो ये इंडिकेटर को भी ग्लो करने के लिए एक में चाहिए फेज एक न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर में भी दो टर्मिनल दिया हुआ हमारा, तो एक में क्या जाएगा एक में फेज जाएगा ठीक है, एक में फेज एक में न्यूट्रल जाएगा। तो फेज हम कहां से लेके जाएंगे, फेज हमारा यहाँ पे आया हुआ है ठीक है, यहाँ पे भी आया हुआ, पर हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर से ही एक वायर लेके जाएंगे इंडिकेटर में। तो इंडिकेटर में हमारे यहाँ फेज पहुंच गया, अब चाहिए न्यूट्रल ठीक है। तो हमारे न्यूट्रल कहां पे, यहाँ पे लाए हुए वोल्ट मीटर में, हम क्या करेंगे न्यूट्रल यहां से लेके चल जाएंगे और यहां पे दे देंगे ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल यहां से निकल रहा है ठीक है, जो ये टर्मिनल से फेज हमारा यहां से आउट किया, न्यूट्रल हमारे यहां से, हमें कहीं से जरूरत है न्यूट्रल का, न्यूट्रल हमारे यहां से अब आउट करेगा ठीक है। अब हम क्या करना है, सारे स्विच जैसे ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट, तुमको क्या करना है ये सॉकेट को यूज कराने के लिए ये स्विच का ठीक है, ये स्विच से ये स्विच से ये सॉकेट चलाना, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके कहां पे जाना है, जहां पे एल लिखा होगा ठीक है। देखिए यहां पे एल लिखा हुआ है, तो हर टर्मिनल में ना एक जगह एल एक जगह एन, एल जो हो गया लाइन के लिए हो गया, एन जो हो गया न्यूट्रल के लिए हो गया। तो क्या करना है ये जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा फेज यहाँ पे था, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फेज हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये जो हमारा सॉकेट है इसमें एल का जो यूज है लाइन का यूज है यहाँ पे हमारा पहुंच जाएगा। सेम यहां से भी करना है, तो हमको क्या करना है ये स्विच, अब ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना हमको, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे कहां पे, जहां पे एल लिखा हो, तो यहां पे एन, ये एल एन और एल, ये हमारा न्यूट्रल के लिए हो गया, ये हमारा लाइन के लिए हो गया। तो हमारा जो फेज फिटिंग लाइन जहां जाएगा कहां जाएगा, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक पहुंचा यहां पे। तो क्या हो गया, हम जब ये स्विच ऑन करेंगे ये सॉकेट भी यूज होने लग गया, हमको ये सॉकेट को भी यूज करना है, तो हम क्या करेंगे सेम यही वायर को हम लेके चल जाएंगे एक लूप बना के यहां पे भी। तो जब हम ये स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा फेज यहां से है, ये यहां से आउट करते हुए यहां भी आ जाएगा, ये सॉकेट में भी पहुंच जाएगा और ये सॉकेट में पहुंच जाएगा ठीक है। अब नीचे में क्या करना है, नीचे में तो सिंगल है, ये स्विच से ये सॉकेट, 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 तो हम क्या करेंगे ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, जहां पे एल लिखा होगा। हर जगह देखिएगा एक जगह एन एक जगह एल लिखा होगा, जो एल होगा वो हमारा लाइन के लिए, एन होगा वो न्यूट्रल के लिए है। तो हमारे यहां पे ये स्विच से ये सॉकेट चलना है, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से हमारा एल यहां लिखा यहां ले गए, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर हम लेके चल जाएंगे यहां पे, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना, तो ये स्विच से ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके यहां चल जाएंगे, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना, कहने मतलब ये स्विच से ये सॉकेट को, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना, तो क्या करेंगे यहां से एक वायर लेके चल जाएंगे ये सॉकेट में जहां पे लिखा होगा। तो क्या होगा, सब में हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्या बचा, न्यूट्रल का ठीक है। न्यूट्रल हमारा कहां आया हुआ है, न्यूट्रल हमारे यहाँ पे वोल्ट मीटर में है ठीक है। हमको यहां से क्या करना है, न्यूट्रल सब में पहुंचाना है, तो हमारा सारे सॉकेट में न्यूट्रल का जरूरत है। देखिए यहाँ पे जहां जहां लिखा हुआ है, एक सॉकेट यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, एक दूसरा, एक तीसरा, जहां जहां न्यूट्रल है ठीक है। यहां भी नीचे में भी पांच जगह है सॉकेट में न्यूट्रल, तो हम क्या करेंगे यहीं से न्यूट्रल लेके जाएंगे, एक न्यूट्रल यहां पहुंचा दिए। फिर हमको क्या करना है, यहां भी न्यूट्रल का जरूरत है, एक वायर का लूप बना के यहां ले गए ठीक है। फिर यहां भी न्यूट्रल का जरूरत है, एक वायर का लूप बना के हम यहां ले गए। लूप बाय लूप क्या करेंगे, न्यूट्रल जैसे यहां पहुंचाए ये सॉकेट से, फिर ये सॉकेट, फिर ये सॉकेट। अब हमको नीचे भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहीं से एक वायर लेके चल जाएंगे यहां पे, यहां ये सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुंच गया, ऊपर वाला सॉकेट से नीचे वाला सॉकेट में क्या करेंगे न्यूट्रल का वायर का लूप बना के ले जाएंगे, यहां पहुंच गया। सेम यहां से भी यहां पहुंच जाएगा, इस तरीके से यहां पहुंच जाएगा। जहां जहां न्यूट्रल का जरूरत है हम न्यूट्रल लेते चल जाएंगे भाई लूप। तो हमारे क्या हो गया, हर सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच गया। देखिए ठीक है, यहां भी पहुंच गया, यहां 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 भी पहुंच गया। तो हर क्या, हर सॉकेट में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फेज भी हमारा पहुंचेगा, तो ये सॉकेट हमारा यूज में आने लगेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक वायर का फेज का काम हो गया, न्यूट्रल काम हो गया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिन ठीक है। तो जो बॉडी अर्थिन का वायर आएगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल, सॉकेट का ये जो टर्मिनल है ठीक है, ऊपर में जो ये टर्मिनल है हमारा अर्थिन के लिए। देखिए एक जगह फेज के लिए एल लिखा है, न्यूट्रल के लिए एल लिखा है, अर्थिन के लिए एक सिंबल बनाया हुआ अर्थिन के लिए। तो ये हमारा जो है ये अर्थिन के लिए। तो हमको जो हमारा एक आया फेज का, एक आया न्यूट्रल, जो बॉडी अर्थिन का वायर आएगा ठीक है, ये बॉडी अर्थिन का वायर है, तो हम क्या करेंगे जितना भी सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल ले जाएंगे, एक हमारे यहाँ पे यहां ले गए, फिर हमारे यहाँ पे सॉकेट है सेम, एक लूप बना के यहां ले गए, एक लूप बना के यहां ले गए, जहां पे जिस टाइप से जरूरत है ठीक है, जहां जहां जरूरत है हम क्या करेंगे लूप बाय लूप सारे सॉकेट में बना के ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हो गया।
इस तरीके से क्या होगा हमारे, देखिए यहाँ बोर्डर रीति में पहुंच गया, यहाँ न्यूट्रल में पहुंचा हुआ, स्विच ऑन करेंगे तो फेज भी पहुंच जाएगा, तो ये कंप्लीट हमारा सॉकेट का यूज हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसका वायरिंग करके देखते हैं कि इसका वायरिंग जिस तरीके से हमने डायग्राम बनाया उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम इसका वायरिंग भी करते हैं। कनेक्शन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज है न्यूट्रल, ठीक है, फेज है न्यूट्रल, बॉडी थ्री का वायर लेके आए थे हम, ठीक है, ये तीन वायर लेके आए थे, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बॉडी थ्री। तो हमारा फेज है न्यूट्रल कहां इन कराए थे, हम इन कराए थे डीपी स्विच के निचले टर्मिनल में, ठीक है। तो ये डीपी स्विच का हमारा निचले टर्मिनल क्या करेंगे, हम फेज हमारा कहां इन किया, यहाँ पे जहां पे लिखा है, और न्यूट्रल यहाँ पे जहां पे लिखा है, ठीक है, तुम दोनों को इन कराते हैं। एक में फेज और एक बगल से बगल टर्मिनल में न्यूट्रल, अब इसके बाद क्या होगा, फेज हमारा उधर ऊपर से आउट करेगा और न्यूट्रल भी। तो क्या करते, पहले इसको हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, ये फेज है न्यूट्रल हमारा हैंड किया, फेज हमारा यहां से आउट करेगा, न्यूट्रल यहां से आउट करेगा, सेम यहां डायग्राम के अनुसार, ठीक है। आउट करने के बाद कहां गया, ये आ गया हमारा वोल्ट मीटर में, तो हम वायर ले लेंगे आउट कराने के लिए, ठीक है। तो हमारा फेज का वायर हम यहां पे देते हैं, ये फेज हमारा यहां से आउट करेगा, अच्छा न्यूट्रल आउट करेगा, वो कहां से करेगा, न्यूट्रल यहां से आउट करेगा, ये क्या हो गया हमारा डीपी स्विच का काम, इन आउट दोनों करा दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फेज है न्यूट्रल, ठीक है, ये जो फेज न्यूट्रल आउट करके कहां गया, ये आ गया अब हमारा वोल्ट मीटर में। तो इस बोर्ड को हम पलट लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आउट वाला वायर है। तो एक हमारा कहाँ आएगा, एक आएगा हमारा फेज के लिए, एक फेज के लिए, एक दूसरा न्यूट्रल के लिए, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। तो फेज वाला हमारा यहां से आउट करेगा, ठीक है, ये वायर हमारा फेज कहाँ आया, इस टर्मिनल लेके आए, तो हम यहां पे लेके आते हैं। अब यहां से फिर कहां आउट कर रहा है, इसको लेके जा रहे हैं हम कहा, सारे स्विच के नीचे टर्मिनल, ठीक है, देखिये वायर जो लेके आए सारे स्विच के निचले टर्मिनल में, एक यहां ले गए, फिर यहां ले गए, ठीक है, जितने स्विच है सारे निचले टर्मिनल में लेते जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे वोल्टमीटर में से कनेक्शन देते हैं, ये वोल्टमीटर में दे दिए, ठीक है। अब ये फेज हमारा आउट करे कहाँ जाएगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, हमारा स्विच एक यहाँ है, यहाँ है और नीचे में, ठीक है, ऊपर में दो ही स्विच है, एक यहाँ देंगे। अब यहां से हम हर जगह आउट कराते रहेंगे लूप बाय लूप, कि ये सारे स्विच के निचले टर्मिनल में क्या करना, हमको फेज को पहुंचा देना है, ठीक है। ये हमारा डीपी स्विच से आउट किया ये वायर, ठीक है, ये आउट किया, यहां से आउट कराते हुए हम ले गए कहा, ये स्विच के निचले टर्मिनल, अब यहां से लेके जाएंगे कहा, ये स्विच के निचले टर्मिनल हमारे ये यहां पे ले जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, यहां से फिर लूप बनाते हुए क्या किया, सारे स्विच के निचले टर्मिनल में ले गए, जो हमारे 5 एम्पीयर का था, 6 एम्पीयर का था, तो हम क्या करते, इस तरीके से लूप ले लेंगे और इसका कनेक्शन हम करते चल जाते। तो यही स्विच का निचले टर्मिनल से लेके गए, तो ये स्विच के निचले, किसी भी तरीके से लेके जाना है, स्विच के सारे निचले टर्मिनल हमको फेज पहुंचा देना है, ठीक है, यहाँ गया। अब हमारा स्विच अब सारे नीचे टर्मिनल यहाँ पे, तो सारे स्विच के निचले टर्मिनल में देते चल जाते हैं। अब क्या करना है, जितने स्विच में देने के बाद हमको स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से सारा सॉकेट में ले जाना है, हो गया फेज कहां तक का काम हो गया, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। अब हम क्या करना, सारे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है सॉकेट में, जो स्विच से यूज करना है, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट यूज कर रहे थे, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके गए जहां पे एल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे, तो ये स्विच में एल कहां लिखा है, यहां लिखा है, तो एक वायर का लूप लेके जाएंगे। यहां पे ठीक है, यहां से स्विच को ऊपर टर्मिनल से लेके कहां गए,
सॉकेट का एल कहां पे लिखा, हमारा यहां पे लिखा हुआ है, तो ये जो वायर का काम है हम यहां पे कर दिए। तो क्या होगा, जैसे स्विच ऑन होगा तो ये जो करंट फेज है वो यहां से होते हुए ये सॉकेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्विच है, ठीक है, ये जो स्विच है, ये स्विच से क्या दोनों सॉकेट को ऑपरेट करे, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑपरेट होगा, तुम क्या करेंगे, ये स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जा रहे कहां पे, एक यहां पे और सेम यहां पे भी, ठीक है। तुम क्या करते हैं, इसी तरीके से ले लेते हैं, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक जाएगा, ये सॉकेट का एल टर्मिनल, अब क्या है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये सॉकेट में क्या होगा, हमारा फेज पहुंच जाएगा, ठीक है, पर ये जो सॉकेट इसमें नहीं पहुंचेगा, तुम क्या करेंगे, यहां पहुंचे, यहां भी ये एक वायर का लूप दे देंगे, जब यहां से फेज आउट हो तो क्या होगा, ये सॉकेट में भी आ जाए और ये सॉकेट में भी आ जाए, क्योंकि न्यूट्रल तो हमारा जो डायरेक्ट वो पहुंचा रहता है, ये हमारा यहां तक का फेज काम इधर कंप्लीट हुआ। अब क्या करना, सारे स्विच का, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से यहां पे सारे सॉकेट का जितना भी है, ये स्विच से यहां पे, 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 हमको क्या करना, लेते जाना है, तो क्या करते, लूप बाय लूप लेते चलते हैं। ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, इस वाले सॉकेट में, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल काम करेंगे, क्योंकि हमारा फेज का काम तो लगभग कंप्लीट हो गया, अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल काम। तो ये हमारा फेज का काम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लेके आएंगे, न्यूट्रल हमारा कहां तक पहुंचा हुआ है, न्यूट्रल हमारा वोल्ट मीटर तक लाए हुए, ठीक है, न्यूट्रल हमारे डीपी स्विच आउट कराया है, ठीक है, अब हमको कहां लेके आना है, ये वोल्ट मीटर में लेके आना है, तो वोल्ट मीटर का टर्मिनल हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लेके जाएंगे यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां से न्यूट्रल लेके फिर हमको जाना जितना भी सॉकेट है, ठीक है, सारे सॉकेट का जहां पे न्यूट्रल का जरूरत है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल यहां पे, यहां पे, यहां पे और नीचे सारे टर्मिनल में, तुम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से लूप बाय लूप काम करते चल जाएंगे। इसको हम कनेक्ट, तो अब न्यूट्रल का जरूरत हमको यहां पे था, यहां से लेके वोल्ट मीटर से कहां पे, ये सॉकेट के टर्मिनल में, यहां पे हम न्यूट्रल दिया, यहां पे दिया, अब यहां से हमको लेके जाना लूप बाय लूप सब जगह, तो इस तरीके से लूप बाय लूप क्या करते हैं, हर जगह लेते चलते हैं। सारे सॉकेट का न्यूट्रल जहां पे, बॉडी एथिन भी हमारा इसी तरीके से काम करेगा, जहां जहां न्यूट्रल जिस तरीके से हम लूप बाय लूप दे रहे, सेम बॉडी एथिन भी वायर हम इसी तरीके से देंगे, जहां उसका नीड है, ठीक है, उसका जरूरत हमको यहां पे,
तुम बॉडी अर्थिंग का वायर जो यहाँ यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, सॉकेट के ऊपर वाला टर्मिनल सब में। न्यूट्रल ऊपर तक दे दिए, अब हमको नीचे भी न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल का एक लूप का ही वायर लेके हम इस तरीके से न्यूट्रल यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, इंडिकेटर। इंडिकेटर को भी, ये जो इंडिकेटर है इसको भी ग्लो करने के लिए हमको फेजा न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो दोनों का वायर तो मैंने पहले से ले लिया था, उसको कनेक्ट कर देंगे। उसका कनेक्शन हम लोग कहां से लिए थे, हम लोग लिए थे वोल्ट मीटर से, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल का काम यहां तक का जो बोर्ड का था ये हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ बचा इंडिकेटर, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो एक इंडिकेटर को चलाने के लिए हमको फेजा न्यूट्रल दोनों चाहिए था, तो फेज भी हम यहां से लिए वोल्टमीटर से, न्यूट्रल भी लिए यहां से, ठीक है। ये इंडिकेटर के लिए भी दो वायर है, ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो हम फेज कहां से ले रहे, फेज हमारा यहां वोल्टमीटर में, यहां पे फेज है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे फेज ले लेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हमारा यहां पे है, तो न्यूट्रल भी यहीं से ले लेंगे। तो ये हमारा इंडिकेटर में भी फेज और न्यूट्रल मिल गया। फेज कहां से मिला, फेज इस वोल्टमीटर का, यहां वोल्टमीटर का जब फेज आया वहां से ले लिए, और न्यूट्रल जो वोल्टमीटर में न्यूट्रल आया तो उसे ले लिया। तो हमारा यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहां पे, तो बॉडी अर्थिंग का सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप ले लेंगे और सभी कनेक्शन हम करते चलते हैं। तो बॉडी अर्थिंग का वायर जो हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसको इन कहाँ कराए थे, हम यहाँ पे इन कराए थे, हम बॉडी अर्थिंग का वायर को भी ले आते हैं, ठीक है। जो हमारा फेज आया था, फेज न्यूट्रल, अब बॉडी अर्थिंग का वायर था उसको भी हम लेके आते हैं और यहाँ पे इन करा देते हैं। अब यहाँ से इन करा के हम कहाँ ले जाना है, सारे सॉकेट का जहाँ पे नीड है इसका, इस जगह पे हम क्या करते हैं, सेम इस जगह से ले आते हैं सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में। तो ये जो बोर्ड है हमारा, बोर्ड का वायरिंग वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करके देख लेंगे जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा कुछ कनेक्शन बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लाइन चालू करके चेक करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से ले गए थे हम ग्रीन कलर का वायर, सेम हम सारे इस तरीके से हम सारे में कर दे रहे, ठीक है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को चालू करके देखेंगे कि इस बोर्ड का जो कनेक्शन देखे इसमें कनेक्शन हुआ है सही या नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसको बोर्ड में फिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा तैयार हो गया, जैसे हम इसे स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, इसका कनेक्शन हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा इंडिकेटर भी जलने लगे और सारा सॉकेट, ये वोल्ट मीटर यूज, ये हमारा लगता है थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर भी जो है 240 दिखाना चाहिए, या जितना करंट आ रहा है यहाँ पे करीब 180 दिखा रहा, तो शायद 180 करंट आ रहा होगा, यही उतना दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको ऑफ करेंगे, ठीक है, ये अभी सही हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, ये सारे को चेक करके देख लेते हैं कि जो हमारा कनेक्शन वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम एक ले लेते हैं, ये सही है, तो मतलब बाकी सब सही होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये सॉकेट क्या है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट चलेगा, तो मैं इसे चेक कर लेते हैं, ऐसे ऑफ है तो ये जला, और ये सॉकेट भी हमारा जलना चाहिए, इसी से ऑफ हो, और ये भी। इस तरीके से हमारा जो सारा सॉकेट यूज में आएगा कि एक सही है, तो मतलब बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।